हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 9 पर डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। हमें यह गिवन है S7 49 है, S17 289 है, फाइंड करना है Sn की वैल्यू। ठीक है, तो पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। भाई गिवन पार्ट को लिखते हैं पहले। तो गिवन हमें Sn सम ऑफ 7 टर्म लिखा है, Sn हमें गिवन S7 गिवन है 49, उसके बाद S17 हमें गिवन है 289। ठीक है, और Sn की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। मैंने बताया था an गिवन है तो an के फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे, sn हमें गिवन है तो sn के फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो s7 और s17 हमें गिवन है तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो लिख लेते हैं सिंस sn का फॉर्मूला sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ से s7 या 7 लिखेंगे n की वैल्यू, तो ये होगा S7 इज इक्वल टू एन की वैल्यू 7 है तो 7 बाई 2 2a प्लस एन की वैल्यू 7 है तो 7 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, S7 की वैल्यू हमारे पास है 49 इज इक्वल टू 7 बाई 2, इसको लिख देंगे 2a प्लस 7 माइनस 1 6d। अब देखो 2a और 6d में 2 कॉमन है तो 2 को बाहर ले लेंगे, यहाँ पे इनको लिखेंगे 49 इजिकल टू 7 बाई 2, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा हमारे पास a प्लस 3d। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ बचेगा भाई 49 इजिकल टू 7 इंटू ए प्लस 3d। ठीक है, 7 यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में है, इसको इधर ले आते हैं तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख देंगे 49 डिवाइड बाई 7 इजिकल टू ए प्लस 3d। ठीक है, अब यहाँ से देखो ए प्लस 3d की वैल्यू क्या होगी, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 जा 49 इजिकल टू ए प्लस 3d। ये होगा इक्वेशन फर्स्ट। हमें S7 गिवन है तो S7 से एक इक्वेशन आएगी a प्लस 3d इक्वल टू 7। सेकेंड हमें गिवन है S17, Sn के फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे, यही फॉर्मूला है S17 हमें गिवन है S17, यहाँ से n की वैल्यू 17 है। ठीक है, तो लिखेंगे 17 बाई 2 2a प्लस n की वैल्यू क्या है भाई हमारे पास, यहाँ पे देखो n की वैल्यू है 17 तो 17 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो यहाँ से S17 की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 289, तो यहाँ लिखेंगे 289 इजिकल टू 17 बाई 2, यहाँ पे 2a प्लस 17 माइनस 1 16d। यहाँ पे देखो 2a प्लस 16 में यहाँ 2 कॉमन है, 2 को कॉमन लेंगे। ठीक है, तो ये आएगा 289 इजिकल टू 17 बाई 2, यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा a प्लस 8d। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 289, यहाँ पे देखो 17 मल्टीप्लाई में इधर लेके आएंगे इसको डिवाइड हो जाएगा, यहाँ बचेगा a प्लस 8d। 17 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये 17 टाइम ही होगा। ठीक है, तो 17 इजिकल टू ए प्लस 8d, ये होगा इक्वेशन सेकंड। हमारे पास यहाँ पे देखो फर्स्ट जो S7 था वहाँ से एक इक्वेशन आएगी a प्लस 3d इक्वल टू 7, सेकंड S17 से एक इक्वेशन आएगी a प्लस 8d इजिकल टू 17। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, सेकंड में से इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट कर देंगे, वहाँ से a और d की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से।
यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड हमारे पास है a प्लस 8d इजिकल टू 17, फर्स्ट है a प्लस 3d इजिकल टू 7। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन माइनस हो जाएंगे, ये माइनस चेंज हो जाएंगे, प्लस की जगह माइनस, यहाँ प्लस है माइनस, प्लस a माइनस है दोनों कैंसिल, यहाँ पे 8d प्लस के हैं माइनस 3d है तो ये बचेगा 5d, यहाँ से 17 माइनस 7 10, तो यहाँ से d इजिकल टू 10 बाई 2 10 बाई 5, तो d की वैल्यू आएगी हमारे पास 2, 5 टू द 10 d की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ से d की वैल्यू 2 आ गई, अभी d की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ लिखेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट d इजिकल टू 2 है, इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट देखो हमारे पास ये है a प्लस 3d इक्वल टू 7, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस 3d इजिकल टू 7, d की वैल्यू है 2, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस 3 इंटू 2 इजिकल टू 7, तो a प्लस 6 इजिकल टू 7, तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी 7 माइनस 6 इजिकल टू 1, a की वैल्यू आएगी 1, यहाँ लिख देता हूँ a इजिकल टू 1। भाई d की वैल्यू तो हमारे पास 2 है, a की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना था an की वैल्यू। क्वेश्चन में कह रहा था कि फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट n टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है sn के फॉर्मूले से। sn का फॉर्मूला होता है भाई sn इजिकल टू n बाई 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। भाई यहाँ से तो sn की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो sn यहाँ पे जो वैल्यू हमें गिवन है या हमें फाइंड आउट की है उसको लिखेंगे फॉर्मूले में। देखो sn यहाँ लिखेंगे sn इजिकल टू n की वैल्यू हमारे पास है नहीं, n बाई 2 टू ए, 2 इंटू ए की वैल्यू देखो हमने अभी फाइंड की थी 1, ये रही 1, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू देखो यहाँ से लिखेंगे 2। ठीक है, सिंपल करो इसको, एस एन इजिकल टू एन बाई 2, यहाँ सिंपल करेंगे 2 वन ज़ा 2 प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 एन माइनस 2, माइनस 2 प्लस 2 दोनों कैंसिल, यहाँ बचेगा एस एन इजिकल टू एन बाई 2, यहाँ ब्रैकेट के अंदर है 2 एन। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो एस एन इजिकल टू एन स्क्वायर माई आंसर। ठीक है, एन स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो आज हमने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने क्लासमेट के साथ शेयर करो। थैंक यू।